नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धौलाधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि एचपी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 नवंबर 2019 को, तो उसकी जो है हम आंसर की लेके आए हैं। तो ये आंसर की जो हम लेके आए हैं, ये सोशल स्टडी सेक्शन की जो है आंसर की लेके आए हैं हम। तो इसमें जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे वो करेक्ट आंसर बताए जाएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ, पार्ट 2, तो उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो ये पार्ट 1 है पेपर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोशल स्टडी का, चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ 78 का जो है आपका राइट ऑप्शन है डी कनिष्क। डी राइट ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी मूवमेंट का लीडर कौन था 79 का जो है आपका सी राइट ऑप्शन है सईद अहमद बरोलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कन्वर सिंह लीड्स द 1857 रिवोल्ट विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 76 का जो राइट ऑप्शन है, इसका डी राइट ऑप्शन है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट विन। तो थर्ड बैटल फोर्ट बैटल जो हुई थी, तो उसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है 86 का जो राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन है 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेनेस्टी पावरफुल रूलर कनिष्क वाज बिलोंग टू। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका सी 26 नवंबर 1949। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी सबसे पहले पता लग सके आपको। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री लाइन इन विच टू कंट्रीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी राइट ऑप्शन है इंडो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल हु इज ही। इसका जो राइट ऑप्शन है बी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। इसका राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन है द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन इन्होंने बताया है सी राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। इसका राइट ऑप्शन जो है सी राइट ऑप्शन है द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंडेड। कब और कहां गदर पार्टी का गठन हुआ। तो इसका जो गठन हुआ था ये इसका 1913 को जो है इसका गठन हुआ था, और ये अमेरिका में हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन। तो कितने मेंबर हैं, तो बोले साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे 7 सदस्य थे, सी राइट ऑप्शन है। तो ये थी
जो एचपी टेट आर्ट्स की जो सोशल स्टडी की जो है आंसर की, तो मैंने आपको जो भी आंसर बताए हैं ये करेक्ट आंसर हैं। तो अगर आपको कोई आंसर लगता है कि मैंने गलत बता दिया है तो आप उसको कमेंट में बता दें ताकि औरों को भी पता लग सके। तो ये थी जो कि एचपी टेट आर्ट्स का जो पेपर हुआ है 12 नवंबर 2019 को, तो उसकी जो है हम ये आंसर की मैंने बता दी है आपको। तो आप जो है अपने स्कोर जो है इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं सोशल स्टडी में। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे जीके सेक्शन का, तो उसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तभी आपको उस पार्ट का भी पता लग सकेगा। तो ये पार्ट वन था, पार्ट टू हम जीके सेक्शन का लेके आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता लग सके। जय भारत, जय हिमाचल।